वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंद जान में आपका स्वागत है। ऊपर वाले के रहम करम से और आपकी दुआ के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। भाइयों, आज की ये जो वीडियो हम डाल रहे हैं, अगर आप इसको पूरी तरह सुनोगे तो हकीकत में आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, आपके शौक में, आप जो कबूतरबाजी का शौक कर रहे हो उसमें बदलाव आएगा हकीकत में। क्योंकि जो हम मुहिम लेके चल रहे हैं घर घर नस्ल, बहुत तेजी से हकीकत में ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत तेजी से अब हर कोई पहचान करनी सीख रहा है, इलाज करने सीख रहा है कबूतर के। पहले ये चीजें एकदम आम नहीं थी क्योंकि उस्ताद लोग पहले हर चीज ओपन नहीं करते थे, ठीक है। मगर हमारी मुहिम ज्ञान बांटने से बढ़ता है, भाई साबित कर रहा बातों से। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि घर घर नस्ल बने और आप भी माहिर हो जाओ हर बातों में, तो भाई की वीडियो देखे और सुने कि भाई की नॉलेज कहाँ जा रही है, भाई किस तरह हड्डी जोड़ बता रहा है, जो पहले हर एक किसी को नहीं मालूम था कि हाँ ये हड्डियों में नहीं उड़ेगा और ये हड्डी कितनी उड़ेगी, जोड़ कैसे होने चाहिए, हर कोई नोट कर रहा है, पहले नहीं मालूम था, आंखों के बारे में भी इतना नहीं मालूम था। तो प्लीज अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, आप लाचार ना बने और घर घर नस्ल बने, तो प्लीज भाई का साथ दें, सुने भाई की बातें और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बच्चों से सलाम, कबूतर जिन जान के सभी सदस्यों को भैया नमस्कार और सलाम है। भैया सभी को जोड़ के नमस्कार है, ग्रुप के सभी भाइयों को। भैया डॉक्टर साहब ने जो ग्रुप चला रखा है अपना कबूतर जिन जान का, आपसे हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है इस ग्रुप को ऐसे ही चलाएं और शान से चलाएं, बढ़िया करके चलाएं। देखो जिस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं थी पहले, वो नॉलेज हमें डॉक्टर साहब ने दी है कि अच्छा कबूतर कैसे होता है। कबूतर में जब बीमारी पैदा होती है उसकी हमें पता पड़ जाती है, अब पहले पता नहीं पड़ती थी क्योंकि पहले हमें नॉलेज नहीं थी कि कबूतर बीमार कब पड़ता है, कैसे होता है, क्या होता है। डॉक्टर साहब ने हमें इतनी शिक्षा दे दी है कि अब हमें नॉलेज हो गई है अच्छा कबूतर कैसे होता है, अब बीमार कैसे हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट की भी दवाई गोली सब डॉक्टर साहब ने हमें सिखा रखा है। तो भैया जिस पे जैसी नॉलेज है उसे आगे बढ़ाएं, अपने कोई मिलने सिलने वाला यारा प्यारा जो भी अपना उस्ताद खलीफाओं के यहाँ भी जो हमारे पहले उस्ताद थे, उन्हें भी इतनी नॉलेज नहीं थी और ही तो उन्होंने कभी हमें कोई नॉलेज दी नहीं। डॉक्टर साहब ने हमें इतनी नॉलेज दी है भैया, तो उस नॉलेज को बरकरार रखें और उसे हुनर को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं तो, कि उन्होंने हमें वो चीज़ सिखाई जो हमारे उस्ताद खलीफा उन्होंने नहीं सिखाई। अगर इस काम को हमारे उस्ताद खलीफा भी करते तो आज हिंदुस्तान में सभी के पास हुनर होता और कबूतरबाज अच्छे होते, सभी नस्ल को बनवा कर उड़ाने वाले होते। भैया सब एक नस्ल बनाएं और अच्छी नस्ल बनाएं और उसे उड़ाएं। भैया जो स्कूल में एक मास्टर होता है ना, वो शिक्षा देता है, अगर वो शिक्षा नहीं देता तो आज सब अनपढ़ गवार होते। तो मेरा मानना तो यह भी है, डॉक्टर साहब ने भी एक स्कूल ही खोल रखा है जो शिक्षा दे रहे हैं और हम सब उससे शिक्षित हो रहे हैं। हमको हमें बहुत कुछ सिखा दिया डॉक्टर साहब ने और अच्छा कबूतरबाज बना दिया, और आगे भी उनकी मुहिम चालू है, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं वो, और हम सीखने वाले चाहिए भैया, वो सिखाने से कभी मना नहीं करते। लेकिन जो वो हमें सिखा रहे हैं, जो हमसे छोटे कबूतरबाज हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, हमारा भी फ़र्ज बनता है हम भी उस मुहिम को आगे बढ़ाएं और सिखाएं। पहले के उस्ताद की तरह ना बने, पहले के उस्ताद क्या थे, उन पर जो भी हुनर था वो अपने बच्चों को बेटों को अपने तक ही सीमित रखते थे। जैसे पता ना कौन सा कोई नूर का हीरा मिल गया, उसका संगवा के रखो, हमारे परिवार को पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। भैया शिक्षा तो बांटने से बढ़ती है, मेरे पास जो शिक्षा है वो बढ़ेगी, आगे शिक्षा बढ़ेगी। आदमी मर जाता है, क्या रह जाता है, बोल, उसका हुनर रह जाता है, आदमी मर जाता है। तो मेरा मानना तो है भैया, जो भी आदमी के पास है हुनर उसे बढ़ाएँ और बाँटें, क्योंकि हम तो मर जाएंगे एक दिन, मैं भी मर जाऊँगा, तो मेरे जैसे ये भाई है और भी मेरे कबूतरबाज हैं, वो मुझे याद तो करेंगे कि नानक भाई ने हमें कुछ सिखाया। और मैं डॉक्टर साहब को याद करता रहता हूँ हमेशा कि डॉक्टर साहब मुझे सिखाएं
और मैं सीखने वाला चाहिए, मैं तो इस हुनर को और आगे बढ़ाऊंगा। जो भी मेरे मिलने वाले हैं अच्छे जोर लगाता हूँ, जो भी डॉक्टर साहब ने बताए नीचे की हड्डी मिली भी होनी चाहिए, पर पूरे पुरजे चाहिए, आँख का रिंग भगने वाला शान का, वो सब जो भी होती मैंने सबको सिखाता हूँ। ये भैया मजदूर आदमी हूँ, सबसे पहले तो देखो कारोबार, कारोबार हमारा रहेगा तो हम कबूतरबाजी भी करेंगे, क्योंकि आज का काम जो है कबूतरबाजी का वो पैसे से है। मानो मेरा कबूतर छत से उठ के पड़ोस में गिर गया परसों, पड़ोसी से मैंने कहा भाई मुझे वो कबूतर चाहिए, बोला 500 रुपये का है। अब मैं अपने घर वालों से कैसे गया हूँ, अब मैं कारोबारी हूँ तो मैं 500 रुपये से दे के अपना कबूतर ले आया, जोड़ का कबूतर था। तो भैया काम धंधे पे अपने ध्यान दें, जिसकी कि कबूतरबाजी पे कोई घर वाला उंगली ना उठाए। सबसे पहला काम कारोबार मजबूत रहेगा तो कबूतरबाजी भी मजबूत रहेगी। पता नहीं किस कबूतर पे हमारे दिल आ जाए, वो 1500 का हम ले तो सकते हैं। कबूतर अब भैया बनाने के लिए तो खरीदना पड़ता है, 1000 का ना खरीदेंगे 500 का खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे तो जब भी जब कारोबार ठीक रहेगा। तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है भैया अपने कारोबार पे भी ध्यान दें, मजदूरी करें कारोबारी करें, जो जिस काबिलियत में है उस काबिलियत को करें, पढ़ा लिखा है तो अच्छा काम करें, और भैया अनपढ़ गवार है तो मजदूरी करके अपने कबूतरबाजी पे भी ध्यान दें और अपने परिवार पे भी ध्यान दें। सबसे पहले परिवार पालना है। डॉक्टर साहब ये नहीं कहते सब कुछ छोड़ के कबूतरबाजी में लग जाओ, डॉक्टर साहब का सबसे पहले है कारोबार। देखो डॉक्टर साहब हमारे यूपी के रहने वाले और कारोबार के कारण कहाँ जाके रहे हैं पंजाब, वो अपने भैया पंजाब जाके भी देखो अपने कारोबार भी करते हैं और हमारे लिए टाइम निकाल के हमें वीडियो भी देते हैं, हमें शिक्षित भी करते हैं। बस भैया मैं तो यही कह रहा हूँ इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, अब थोड़ा सा सोख कर दें जो डॉक्टर साहब ने सिखाया हमें। भैया ये डॉक्टर साहब आपको बहुत पसंद है, देखो ये लाल चीनी है, भैया डॉक्टर साहब ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये कैच है, ये बढ़िया देखो उंगली भी नहीं जा रही इसमें, बहुत अच्छी जोड़ लगी है। ये पंजे हैं भैया, ये नर है, ये इसकी मादिन है, ये भी देखो जो ये यहाँ भी उंगली नहीं जा रही, बिल्कुल तीन उंगल की है, पूंछ भी बहुत अच्छी है इसकी, देखो खुल नहीं रही, जैसे डॉक्टर साहब ने बनाया वैसी जोड़ लगाई है। नर दिखा रही है भाई, ये रहा भैया ये इसकी पूंछ खुल रही है और इसकी देखो बिल्कुल बंद है भैया। बस भैया यही है। अच्छा डॉक्टर साहब सलाम।